सही है, आपके पास इस तरीके का कोई सिस्टम होता है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? ऑफ कोर्स देगा, लेकिन क्या मैं इसे सिस ट्रांस बोल पाऊंगी? क्यों? फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन सिस है, आयोडीन ट्रांस है। ऐसे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आयोडीन सिस है, ब्रोमीन ट्रांस है। ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में कुछ, आयोडीन के रिस्पेक्ट में कुछ, और कोई कॉमन चीज तो है नहीं सिस ट्रांस बोलने के लिए। तो जब मेरे पास चारों कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं एंड आई कैन नॉट इफेक्टिवली यूज सिस एंड ट्रांस, देन वी गो ऑन टू ई एंड जेड नोमेनक्लेचर फॉर डिसाइडिंग ई एंड जेड नोमेनक्लेचर वी हैव सर्टेन रूल्स टू आइडेंटिफाई कि ये ई होगा या जेड होगा। तो उसके लिए रूल नंबर वन क्या है? एट ईच टर्मिनल यू हैव टू गिव प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड। ठीक है, तो ईच टर्मिनल प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप, प्रायोरिटीज ऑफ द ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप अटैच, एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप अटैच, जो भी ग्रुप अटैच है उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मैं प्रायोरिटी डिसाइड करती हूँ। जिसका एटॉमिक नंबर हायर होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। ठीक, तो हायर इज द एटॉमिक नंबर, फर्स्ट इज द प्रायोरिटी। हायर इज द एटॉमिक नंबर, फर्स्ट इज द प्रायोरिटी। हम उसको कौन सी प्रायोरिटी देते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी का टेक्निकली मतलब क्या होता है? फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब होता है नंबर वन। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ई जेड नोमेनक्लेचर। तो एक्चुअली में जैसे सपोज ये एल्कीन है और इस पे हमने चारों ग्रुप्स जो है डिफरेंट लगा दिए, राइट? तो अब इसमें सिस ट्रांस या फिर सिन एंटी तो वैलिड नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ई जेड नोमेनक्लेचर देंगे। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रूल नंबर वन लिखेंगे कि वी विल सेट द प्रायोरिटी ऑफ लिविंग, प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स अटैच्ड। वी विल सेट द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्रुप अटैच्ड। जो भी ग्रुप यहाँ पे अटैच है ना, चाहे इस कार्बन पे चाहे इस कार्बन पे, इनकी हम लोग जो है प्रायोरिटी को सेट करेंगे। प्रायोरिटी कैसे हमें सेट करना है? जिसका एटॉमिक नंबर हायर है उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब अगर इन केस ऐसा होता है कि मेरा फर्स्ट अटैच्ड एटम सब में सेम होता है तो मैं फर्स्ट एटम के बेसिस पे नहीं चेक कर पा रही प्रायोरिटी, तो मैं सेकंड सेट पे जाती हूँ। फिर सेकंड से नहीं चेक कर पाती तो मैं थर्ड सेट पे जाती हूँ। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखूंगी तो मैं इस टर्मिनल पे फ्लोरीन और क्लोरीन में से चूज करूंगी, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड, है ना? वैसे इस टर्मिनल पे भी इसका प्रायोरिटी फर्स्ट, इसका प्रायोरिटी सेकेंड, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा है और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा है। ठीक है, कभी कभी इन केस अगर मेरा अटैच्ड एटम सेम होता है, जैसे कि यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ CH2CH3 है और यहाँ CH3 है, या फिर हम इसको यहाँ पे CH2CH2CH3 कर देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा? बेटा ऑक्सीजन का ज़्यादा, तो फर्स्ट एंड देन इसको सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो मैं नहीं देख पा रही, तो मैं सेकेंड सेट पे जाती हूँ। तो सेकेंड में क्या है, ये दो हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच है। ये अगर आप इसको देखोगे तो ये भी दो हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच है, तो मैं सेकेंड सेट पे भी नहीं देख पा रही, तो मैं थर्ड पे जाऊंगी। कि अब थर्ड में क्या है, ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है, जबकि थर्ड ई में ये सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, इसको सेकेंड मिलेगा। मतलब जब तक आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिलता तब तक आप जो है सेट को कंसीडर करते जाइए। जहां आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए वहीं पे आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है प्रायोरिटी को डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, इन केस हमारे पास डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स होते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास एक एल्कीन है, उस पे साइनाइड भी लगा हुआ है, COOH भी लगा हुआ है, एल्डिहाइड भी लगा हुआ है ना, और साथ में एक OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, वैसे तो हालांकि मैं यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड कर सकती हूँ कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वन, कार्बन का सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने डिसाइड कर दी।
बट यहाँ पे दोनों जगह देखिए क्या है, कार्बन है, बट मैं प्रायोरिटी डिसाइड कर पा रही क्योंकि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स हैं। तो जब भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं हम उनको सूडो एटम से रिप्लेस करते हैं। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड वो तो बना ही लेंगे और हर पाई बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। तो जैसे इस कार्बन का ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ नाइट्रोजन आ गया क्योंकि ये कार्बन इस पाई बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन से जुड़ रहा था और नाइट्रोजन उस पाई बॉन्ड के थ्रू कार्बन से जुड़ रहा था। सिमिलरली दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ा वो भी कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ रहा था और नाइट्रोजन को कार्बन से जोड़ रहा था। तो ये जो एटम्स बेटा मैंने ब्रैकेट में लगाया ना इनको बोलते हैं सूडो एटम्स, ये थे नहीं, ये सिर्फ मैंने लिंकेज शो करने के लिए लगाया है ना। सिमिलरली आपके पास जैसे COH होता है तो उसमें जैसे ये सिंगल कार्बन है तो ये सिंगल बॉन्डेड O से अटैच है और ये H से अटैच है ना। यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड तो बना ही दीजिए, फिर ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, इस डबल को इसको सिंगल से अटैच कर रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड इस O को इस कार्बन से अटैच कर रहा है, इस कार्बन को इस O से कर रहा है, तो O को कार्बन से और कार्बन को O से, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली जैसे एल्डिहाइड है मेरे पास तो एल्डिहाइड में भी मैं यही करती हूँ कि इसको मैं ऐसे रिप्लेस करूँगी कि यहाँ H है, यहाँ सिंगल O है, O को कार्बन से जोड़ा है, कार्बन को O से जोड़ा है ना। तो इस तरीके से आप सारे डबल बॉन्डेड ग्रुप्स को या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप को जो है सबसे पहले सूडो एटम से रिप्लेस कर दीजिए, देन आप नेक्स्ट सेट पे देखिए। जैसे आपको इन दोनों में कंपेयर करना है तो पहला सेट तो कार्बन ही, दूसरा सेट इसका क्या, देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इसका दूसरा सेट है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और COH का दूसरा सेट क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इन दोनों में से अगर मैं चेक करूंगी तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है किससे, नाइट्रोजन से, तो आई विल गिव दिस एज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस एज द सेकंड, राइट। तो इस बेसिस पे हम एटम और मॉलिक्यूल्स की क्या है प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट कर ली फिर हम रूल नंबर टू पे जाते हैं। रूल नंबर टू हमें क्या कहता है, अगर आपको दिख रहा है कि सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, तो अगर आपका सेम प्रायोरिटी का ग्रुप बेटा सेम साइड पे प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं 1-1 सेम साइड पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे 1-1 सेम साइड पे प्रेजेंट है, तो आप इसे नाम देते हैं Z। और अगर सेम प्रायोरिटी का ग्रुप ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है तो हम इसे नाम देते हैं E। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम प्रायोरिटी सेम साइड तो Z, यहाँ पे भी बाई चांस सेम प्रायोरिटी सेम साइड Z, सेम Z, ठीक। बट इन केस जैसे कुछ हमारे पास इस तरीके से आता है, यहाँ फ्लोरीन है बेटा, यहाँ H है, यहाँ लेट्स से H है, यहाँ D है, या फिर यहाँ H ना करके हम लोग आयोडीन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, है ना, यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ D कर देती हूँ, यहाँ H कर देती हूँ। अब दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बिकॉज ये दोनों आइसोटोप्स है, तो इन केस जब आइसोटोप प्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है तो आप एटॉमिक मास देखते हैं, तो एटॉमिक मास इसका ज्यादा होगा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देख रहे हैं सेम प्रायोरिटी डिफरेंट साइड तो वी विल गो टू कॉल इट एज ई, राइट। सो ये ईजेड नोमेनक्लेचर भी जो है हमें अच्छे से आना चाहिए, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब इसके बाद हम लोग अपनी डिस्कशन को बेटा लेके चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। सो हेडिंग डालते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। एक चीज हम लोग याद रखेंगे ई जेड में, बिफोर आई गो टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक चीज आप याद रखिए, लेट्स से आपके पास यहाँ सी एच ओ है, यहाँ साइनाइड है ना, और यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ सी एल, तो यहाँ तो हमने प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड कर ली, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें दोनों में हमने देखा कि भाई अटैच सेट तो सेम है, और सी एच ओ को मैंने ऐसे तोड़ा और साइनाइड को मैंने ऐसे तोड़ा, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं नेक्स्ट सेट मेरा ओ ओ एच है, इसमें एन 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 है, तो जब ओ ओ एच लिखना होगा तो इसको मैं एच ओ ओ ना लिख के बेटा मैं इसे हायर एटॉमिक नंबर से लोअर की तरफ लिखूंगी, क्योंकि बेटा अगर आपने इसे एच ओ ओ लिख दिया तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस एच और एन में मिल जाएगा, एंड देन यू विल से कि साइनाइड इज हायर प्रायोरिटी, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता, हम हमेशा ओ मतलब हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हैं जब भी हमें जो है सेकेंड सेट को देखना होता। तो सेकेंड सेट मेरा क्या है ओ एच, तो ओ और एन में से देखा जाएगा तो प्रायोरिटी किसकी है, इसकी ज्यादा है इससे, एंड दिस इज ई आइसोमर, बात क्लियर हुई। तो इस चीज का जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कौन से कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ऑप्टिकली क्या होते हैं बेटा, एक्टिव होते हैं।
Now the compound which is optically active is the one which rotate plain polarized light, plain polarized light either left hand side or right hand side, either left hand side or right hand side. कहने का मतलब ये है कि मेरे पास लेट्स से कंपाउंड है का सोल्यूशन है, मैंने इस कंपाउंड में एक प्लेन पोलराइज लाइट को जो है पास किया है. सबसे पहले समझते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है बेटा. जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या चलती है बेटा, परपेंडिकुलर चलती है. मैं इसमें क्या करती हूँ, इन पूरी लाइटों को एक पोलराइजर से पास करती हूँ जो कि क्या करता है, सिर्फ एक प्लेन की लाइट को ही आने देता है. तो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी लाइट होती है जो कि सिर्फ एक ही प्लेन में जिसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं. तो दिस इज अ प्लेन पोलराइज लाइट. ठीक है, तो अगर मेरा कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड अगर रोटेट कर देगा तो मेरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव. अगर मेरा कंपाउंड उसे राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो मेरा कंपाउंड कहलाएगा बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और अगर मेरा कंपाउंड उसे लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो वो कहलाएगा लीवो रोटेटरी. जो भी कंपाउंड मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बेटा उसे प्लस से लिखते हैं, जो भी कंपाउंड मेरा लीवो रोटेटरी होता है उसे हम किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं. या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ स्मॉल डी से या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ बेटा स्मॉल एल से, है ना. तो जो भी कंपाउंड मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसे हम स्मॉल डी से लिखते हैं, जो लीवो रोटेटरी होता है उसे स्मॉल एल से लिखते हैं, इसको प्लस से या सो माइनस से लिखते हैं. और जो भी कंपाउंड मेरे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता उसे हम बोल देते हैं ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना. सो अगर नहीं रोटेट करेगा स्ट्रेट चले जाएगी तो इनएक्टिव, राइट हैंड साइड चलेगी या लेफ्ट हैंड साइड चलेगी, तो इस तरीके से हम डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी बोल देते हैं, है ना. अब मुझे कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल की जस्ट शक्ल देख के कि मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो मैं बोलूंगी कि मेरा जो कंपाउंड है जब तक मैं लैब में जाके उसे चेक नहीं करूंगी मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है. तो मुझे मॉलिक्यूल की शक्ल देखकर कैसे पता चले कि मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दो है वो फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं. कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये हाथ है तो इस हाथ का मिरर इमेज ये हाथ है. अब इस हाथ को मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ना. तो दिस हैंड इज अनसिमेट्रिकल. आप देख रहे हैं किसी तरीके से सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, आप इसे कहीं से भी काटेंगे तो आपको डिफरेंट ही दिखेगा. तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है. तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे की तो वो मेरे क्या हो जाते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं. साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ साथ एक स्टेटमेंट है जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है, वो ये है डिससिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल, डिससिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डिससिमेट्री. नाउ डिससिमेट्री का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल के अंदर, डिससिमेट्री का बेटा मतलब है एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री of center of symmetry.
तो अगर एंड सब एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं. तो हमारे लिए मॉलिक्यूल के अंदर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए. अगर मेरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मेरा कंपाउंड हमेशा क्या रहेगा बेटा, डिससिमेट्रिक. और अगर वो डिससिमेट्रिक है तो वो सफिशिएंट है उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए. तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव ओनली इफ इट्स डिससिमेट्रिक. जैसे मैं बता रही थी ये हाथ, आप इस हाथ को कहीं से भी देखेंगे बेटा ये अनसिमेट्रिकल ही है ना. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बेसिकली, बेसिकली अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करी जाए तो बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा प्लेन होता है जिससे मॉलिक्यूल में, जब मॉलिक्यूल को जिस प्लेन से अगर हम काटें, देख रहे हैं आप, इस प्लेन से अगर मैं काटूं ऐसे करके तो ये हाफ और ये हाफ बराबर आ जाए तो ये वाला क्या होगा मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री. मतलब मॉलिक्यूल में अगर ऐसा कोई प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है कि जिस प्लेन से मैं मॉलिक्यूल को काटूं तो दोनों हाफ्स उसके सेम हो जाए, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना. तो आप देख रहे हैं इस हाथ को, तो आप इस हाथ को कहीं से भी काटें, आप यहाँ से काटेंगे तो आपको दिखेगा दोनों साइड डिफरेंट है, आप यहाँ से काटेंगे तो भी अबव एंड नीचे वाले हैंड डिफरेंट रहेगा, है ना. तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, एकदम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रख रहा है ना. दिस हैंड डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट. सिमिलरली अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो ये क्या होता है कि एक ऐसा सेंटर होता है जिससे जब, जैसे सपोज ये रूम है आप मान लीजिए, इसमें अगर एक ऐसा सेंटर मान लूँ कि यहाँ से डायगनली ऊपर जा रही हूँ और डायगनली ऑपोजिट नीचे जा रही हूँ, मुझे सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं. सिमिलरली डायगनली ऊपर जा रही हूँ, डायगनली नीचे जा रही हूँ, मुझे सेम ग्रुप्स मिल रहे हैं, देन दैट इज, दैट सेंटर इज बेसिकली नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री. जैसे कि आप इधर देखिए, अगर मैंने ये कंपाउंड ऐसे बनाया, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ भी सी एच थ्री, ऊपर H, तो देख रहे डायगनली सेम, अगर जैसे सपोज यहाँ पर मेरा एक ग्रुप लगा हुआ है OH और H, आप देखेंगे ऊपर यहाँ नीचे OH और ऊपर H, तो आप देख रहे हैं डायगनली अगर हम ऊपर जा रहे हैं, डायगनली हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो कंपाउंड इज गेटिंग द सेम कंपाउंड हियर. सिमिलर लाइंस पे यहाँ पर भी है, जैसे सपोज ये सी एच थ्री है, यहाँ पे नीचे सी एच थ्री, ये H और ये H, तो यहाँ से भी डायगनली अगर हम जाएंगे सेम कंपाउंड मिलेगा. तो ये वाला जो सेंटर है बेटा ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा. तो ऐसा सेंटर जिससे मैं डायगनली ऊपर और डायगनली नीचे जाऊं और सेम डिस्टेंस पे मुझे सेम ग्रुप्स मिले तो मेरा कंपाउंड क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है. और अगर मेरे मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मेरा कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा. यहाँ तक बात क्लियर होती है.